हमारे हिंदू भाई जो 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको शहीद कर दिया गया। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना बनने कभी दिया था। वो जो रोज बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाई जो 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक थी, पर जब आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी फिर वो अपनी कुर्सी और सत्ता की दौड़ की तरफ चली गई। आजादी से पहले भी शहादतें हैं, पर आजादी के बाद भी इतनी बड़ी शहादत होनी और एक छोटी सी स्टेट के अंदर राजनीतिक लोगों की गलतियों से जो टेररिज्म आया, यह आतंकवाद पाकिस्तान नहीं लेके आया था, याद रखिएगा। यह टेररिज्म हिंदुस्तान की उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकारें, जिन्होंने पंजाब के अंदर सत्ता राज करने के लिए ऐसे इशू छेड़े खालिस्तान के, हरमंदर साहब वो पवित्र स्थान जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, उस हरमंदर साहब के अंदर उस वक्त की सरकारों की गलतियों से, उस वक्त सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों से हथियारों का जखीरा चला गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति को, तकलीफ होगी कईयों को, मैं माहौल नहीं खराब करता कभी। हरमंदर साहब भाई वो नमस्तक करने के लिए, गुरु रामदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आगे सिर झुकाने के लिए, ना कि हथियारों को ला करके किला बनाने की कोशिश की। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, अंदर से हुक्म आते रहे, कौन था उनके पीछे? यही था ना कि अकाली दल को सदा खत्म कर देंगे और हम सदा राज करेंगे। हुआ क्या? 36,000 लोग चले गए, 19,000 हिंदू भाई हमारे शहीद हो गए, खून की नदियां बही, पंजाब बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो गई, हर तरफ गुरदास मान का जो गाना था वसरी धरती उजड़ गई, धरती उजाड़ती, गुरु रामदास जी की, गुरुआ दी, पीरों की, पैगंबरों की, वो पवित्र धरती, हमने धरती का नुकसान कर दिया। आज तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, पर पॉलिटिकल पार्टियों ने सबक क्या सीखा? जिन बेगुनाहों के कातलों ने मजलूमों का कत्लेआम किया, अब कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर का गुरुपूर्व दिवस, कौन थे गुरु तेग बहादुर महाराज? मजलूमों की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, इस राष्ट्र के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, और हमने मजलूम मार दिए, बच्चों से निकाल के, ट्रेनों से निकाल करके, रास्ते में जाते हुए, किसी के हाथ में कृपाण नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में तरचूल नहीं, हमने गोलियों का निशाना बना दिया और कहते खालिस्तान बना गया तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये गुरबंत सिंह पन्नू को कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का चाइना का जंट यूके में बैठा हुआ, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना बनने कभी दिया था, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। हम गवाह हैं आपके सामने, शरीर पे बम चले हैं, दोस्त यार जवान हर पॉलिटिकल पार्टियों ने शहीद किए करवाए हैं, बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, आरएसएस के लोग भी थे, अकाली दल के भी कुछ लोग थे। आज क्यों नहीं बोलता गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ कोई? ये सरकारों की जिम्मेदारी है। कभी हिमाचल में धमकी देता है, अभी हिमाचल में धमकी आई, खालिस्तान का झंडा लड़ाएंगे, अभी मैं गुड़गांव गया, वहां FIR दर्ज हुई, हम खालिस्तान का झंडा लड़ाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है जी? शहीदों के लिए कौन खड़ा हुआ? 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम हुआ, उनके लिए कौन खड़ा हुआ? क्या सबक सीखा पॉलिटिकल पार्टियों ने? अब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, फोटो देना, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जिसने दिल्ली में मेरे ऊपर बलात्कार किया, 38 लोग शहीद हुए, 38 लोग
हाथ के करीब जख्मी हुए। अगर वही बम और दिखाना, अगर वही बम ब्लास्ट आधा घंटा पहले चल जाता, मेरा रास्ता, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो कम से कम 500 बेगुना लोग शहीद हो जाते जो मुझे मिलने आए थे। आरडीएस कितना, 45 केजी आरडीएस तबाही मचा देता है, आधी दिल्ली उड़ा दे। अब उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो गई। आज 26 साल से, जब से उसको जर्मनी से लाए, किसी को अमेरिका से लाए, किसी को कनाडा से लाए, मेरे पे मारने की प्लानिंग कहां से बनी? कनाडा से बनी। ये आईबी की रिपोर्ट है, होम मिनिस्टर ने उस वक्त बताया। और उसको छुड़वाने के लिए थ्रू पाकिस्तान, आईएसआई, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, लोग उसको छुड़वाने में लग गए। क्या अच्छा कर्म किया था जी उसने? बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, गाजियाबाद में उसके ऊपर केस, दिल्ली में उसके ऊपर केस, पंजाब में उसके ऊपर केस, चंडीगढ़ में उसके ऊपर केस, पैरवाई करने वाला कोई नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या था कि वो इस चीज के इंतजार करें कि ये बेगुनाहों का कत्लेआम करें और छुड़वाएं? आज जराजोवाला की बात करते, अब बेअम सिंह चीफ मिनिस्टर को शहीद क्या कहते, उसको छोड़ दो भाई। मतलब आतंकवादियों को छोड़ने के लिए खुलेआम मीटिंगें हो रही। और अहमदाबाद में अभी 15-20 दिन पहले 3 या 4 ब्लास्ट हुए, 38 के करीब आतंकवादियों को फांसी की सजा सुना दी, 38 के करीब। यहां कितने पुलिस के जवानों के परिवारों के परिवार ही खत्म कर दिए, 19,000 हिंदू भाई, 36,000 बेगुनाह लोग मार दिए, सजा किसको नहीं। हम 1 या 1.5 महीने का टाइम उन लोगों को देते हैं जो ये रोज आतंकवादियों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ उनके लिए नहीं, उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, ये बम जलाने वाला था, हम इसको छुड़ाना चाहते। अरे सिख कौम का इतिहास मानवता की रक्षा के लिए था। मैं भी आपके सामने हूं, मैंने किसी को मारा तो नहीं, मैंने किसी पे केस तो नहीं रजिस्टर कराया। कोई मुझे ऐलान करके कहता, मुझे एक भी आदमी कह दे कि बिट्टा ने हमें जेल में कराया, बिट्टा ने हमारे पे केस रजिस्टर कराया, बिट्टा ने हमारा इनकाउंटर कराया, मैं चंडीगढ़ के ये आपका जो भी चुराहा हो खड़ा हो जाता हूं, सबूत देते, मुझे गोलियों से मार दे। पर बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, उनके खिलाफ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। मैं 10 साल से 15 साल से बोला नहीं, क्यों? जो कोर्ट करेगा वही चलेगा। हम पंजाब के माहौल को खराब ना करें, हम इनकी तरह गंदी पॉलिटिक्स ना करें, हम पब्लिसिटी की पॉलिटिक्स ना करें। जब आज हदें पार हो गई तो मेरे से परिवारों के लोग सवाल पूछते हैं, जो मेरे साथ जवान शहीद हुए, मेरे साथ मेरे दोस्त शहीद हुए, पंजाब के और लोग शहीद हुए, दुनिया से मुझे फोन आते हैं, अरे कौन सा आपका एंटी टेरर फ्रंट है भाई? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने के बाद जो जवान मेरे साथ शहीद हुए, उनकी पत्नियां बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, तो आज मुझे भी सामने आना पड़ा। मैंने नहीं आना था, मैं कहा ठीक है जो कोर्ट फैसला करेगा करेगा, मैं 1.5 या 2 महीना वेट करूंगा, आरटीआई डालूंगा और सारी लिस्ट मंगवाऊंगा 36,000 बेगुनाहों का जो कत्लेआम हुआ, उसमें 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 5,000 हो, सबको मिलूंगा। और उसके बाद अगर ये ऐसे राजनीति करते रहे, ये करते रहे आतंकवाद के, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अकेला नहीं, अकेला तो मैं कोर्ट में हूं अभी भी, मैं सबको लेके जाऊंगा। जब अहमदाबाद में आप 38 लोगों को फांसी की सजा सुना सकते हैं, तो सरकार से जब पूछा जाए, कोर्ट से नीचे जब पूछा जाए कि 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? जो मिली थी वो क्यों छोड़े? जफरवाल जैसे क्यों छोड़े? बुल्लर जैसे लोगों को, खतरनाक आतंकवादियों को फौरन से, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो जाता है, सरकारी वकील, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लो कोर्ट के जजेस, पुलिस, एडवोकेट जनरल मेहनत करते हैं, पुलिस बाहर से लाती है और आप उनको छोड़ देते हैं? ऐसे कितने केसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर। दया सिंह लाहौरिया, हरनेक सिंह पप, जितने मेरे पे ब्लास्ट किया, क्यों छोड़ा? कितने लोगों को सजा हुई? फिर मैं एक बात कह दूं, फिर किसी को बचा नहीं पाएगा, जो बाहर चले गए वो जेलों में वापस जाएंगे। मैं ये बता दूं उनको,
आपने जो छुड़वा लिए छुड़वा लिए, हम बोले नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन के ऊपर आपने छोड़ दिया, हम चुप रहे, हम बिल्कुल नहीं बोले। क्यों? कर दिया कर दिया, कोई बात नहीं। पर उसके बाद आप चुन चुन के धीरे धीरे सबको जेलों से छुड़ाते जाओगे, जो सब जेल में वापस जाएंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदार लोग हैं जिनकी रोज स्टेटमेंट आती है वो नाल फाइल हमने साथ लगाएंगे। और ये फंडिंग एक टाइम की पेशी की वकील मुकुल रोहतगी कितना लेते? 20 लाख। और मेरा वकील मेरे खून पसीने की कमाई से 4 लाख 5 लाख जितनी कमाई कहीं बचा हुआ कोई सामान बेच करके पैसे देता हूं मैं वकील को। और एक वकील 20 लाख रुपया, कपिल सिब्बल 18 लाख रुपया, तुलसी भी कितने पैसे लेता है, राम जेठ मलानी। बाजी एक मिनट प्लीज, बाजी एक मिनट, एक मिनट सीरियस मैन, है ना? तो ये पैसा अरबों रुपया, कम से कम बुल्लर को एक आतंकवादी को बचाने के लिए आज तक 80 करोड़ रुपया कहां से आया? 28 साल से 80 करोड़। क्या सीरियसपन है? आज बड़े प्रेस के सीनियर लोगों को मैंने फोन किया था, मजबूरी होगी नहीं आए, पर यह भी एक मुद्दा है, यह पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जो मेरे पास इशू किसी के पास नहीं है, मैं कभी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवादी बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों को इस तरीके से फंडिंग, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हम सत्कार करते हैं। अकाल तख्त के जथेदार साहब, हमने कभी गलत शब्द नहीं बोला, हमारे सुप्रीम है, हमारे सरताज हैं, हमारे सिख कौम की इज्जत है। अब अगर वो भी कहे कि बेगुनाहों के कातलों को छोड़ दो तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट कहे खुले तौर पर कि गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर, हमारे दो साहबजादे नियो में चनवाए गए, दो शहीद हुए भाई मतीता थी, मानवता के लिए आरोप चरवाए गए, अरे मुझे इतना तो बता दो भाई, हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा था? खालिस्तान का विरोध करने वाले ने आपका क्या बिगाड़ा था? हिंदू से इतनी नफरत क्यों? कौन सा ऐसा पंजाब का हिंदू है, दो चार छोड़ के गनमैन लेने वाले कौन सा हिंदू है जो सिख धर्म के खिलाफ कोई गंदी भाषा का प्रयोग करता? हमेशा कहता है अरे सिख कौम की खातर तो हम बचे हैं, सिख कौम ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता? खुल के कहता है, हम रोज हिंदू हिंदू करके उनको बुरा कहते, कौन इनके ऊपर डिस्कशन करेगा, कौन इनके ऊपर सेमिनार करेगा, कौन पंजाब के लोगों को जगाने की कोशिश करेगा? भी हमारा 9 मास का रिश्ता है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, कौन इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करेंगी? नार्को टेररिज्म पंजाब के अंदर का को खत्म कर पाया? पंजाब की जवानी पहले आतंकवाद ने तबाह कर दी, पाकिस्तान ने तबाह कर दी, हमारी राजनीतिक लोगों की गलतियों से पंजाब की जवानी तबाह कर दी। पंजाब का कोई भी नौजवान बंदूक पकड़ने वाला नहीं था, हमारे गर्म भाषणों ने मंजी साहब के अंदर 10-10 साल के नौजवानों को, बच्चों को गर्म भाषण दे दे के बंदूक पकड़ा के माओं के लाल मरवा डाले। पंजाब के अंदर सिख भाइयों के हाथ में गोली पकड़ा के बंदूक पड़ा के हिंदू भाइयों का, सेकुलर सिखों का, मजलूमों का कत्लेआम कर दिया। और दिल्ली के अंदर इन सब लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए बेगुनाहों के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या इसके ऊपर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चर्चा करने की कोशिश की कि पंजाब के अंदर आतंकवाद क्यों आया? कौन था जिम्मेदार? कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार थी? किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल था? सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या रोल था? किसने ये नहीं रखी थी आतंकवाद की? कोई चर्चा नहीं। लोग चले गए चले गए, अब आगे फिर उनकी, अरे निचोड़ निकालो, व्हाइट पेपर जारी करो ताकि आगे से कोई गलती ना करे। पहले पंजाब की जवानी बर्बाद हो गई, फिर हमारी गलतियों से नार्को टेररिज्म आया, युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई, किसान अपने बेटे को 2-3 एकड़ खून पसीने की कमाई से पुरानी जमीनें बेच करके बच्चों के डर का मारा विदेशों में बेचता है, यह पंजाब बना दिया हमने। और बच्चे मां बाप से बिछड़ गए, परिवार का कोई जी चले जाता, बच्चा आ भी नहीं पाता, कौन है जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए।
पैसा, माइंस माफिया, बिल्डर माफिया, पैसा कमाओ, राजनीतिक पेशा बन गया। हजारों करोड़ की जमीन आपके सामने वो इशू नहीं है, पर सुबह अखबार पढ़ी बता रहा हूं, अरे 57,000 एकड़ जमीन पंजाब की। एक मंत्री कहता पहाड़ी खा गए मंत्री, ऐसी ये पंजाब है। पहले भी पत्रकार थे, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, रिसर्च करते थे, लिखते थे, निकालते थे अखबारों में स्कैंडल की। कहाँ वो चीजें चली गई आज, हम कहाँ चले गए आज? क्या पंजाब को उस रास्ते पे ला पाएंगे हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आने वाली जनरेशन के लिए? कहाँ चला गया पंजाब? रोज गुरपन सिंह बन्नू रोज हमें कोई धमकियां दे देता है कि हम फलाने को मार देंगे, हम सीएम को उड़ा देंगे, हम हिमाचल के सीएम को मार देंगे। कहां सिस्टम कड़ा? क्या उसके खिलाफ एक भी पॉलिटिकल पार्टी बोली? सुरक्षा हम सबको चाहिए, और सुरक्षा भी जेड प्लस चाहिए, और सुरक्षा भी स्टेटस सिंबल चाहिए। क्यों भाई? आप अपना पहले करदार बताओ। आपने अमन शांति के लिए क्या काम किया? आपने पंजाब के अंदर क्या को भड़काऊ बयान तो नहीं दिया? आपने क्या पंजाब के अंदर आग तो नहीं लगाई? हम आग लगाते हैं, हमें सुरक्षा मिल जाती, वाय। अगर हम पंजाब की अमन शांति की बात करते, अगर राष्ट्र एक की बात करते तो कोई दिक्कत नहीं, पर सुरक्षा का स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए। अब पिछली सरकार के टाइम पे देखो कितने ओएसडी से चीफ मिनिस्टर, कितने। अभी अभी स्कैंडल पकड़ा गया जमीन का, पंचायत की जमीन ही खा गए, और 5-5 गनमैन, मजाक बना रखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बुल्लर का दिखाना, कि जो ये कहते हैं कि बुल्लर की पिटीशन बिट्टा की खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ कोर्ट के अंदर, आज ये देखो दिल्ली की तस्वीरें फिर उड़े हुए। ये सिर पता कहां से उठा के लाए? मेरी सामने कोठी अटल बिहारी वाजपेयी जी कोठी से किसी का सिर लाए, और लीड मेरिडन में को फॉरनर ठहरे थे, ब्लास्ट का टुकड़ा वहां गया, फॉरनर ही जर्मनी का था, वो दुनिया से चला गया, इतना खतरनाक ब्लास्ट था। ये कारे देखो, मैं कभी बोला, मैं कभी 15 साल में 10 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ऊपर इस चर्चा पे की? मुझे दुख है, मैं करता था। एक पत्रकार थे बनर्जी साहब, थे ट्रिब्यून के, उन्होंने किसी को इतनी सी बात कह दी कि हम इशू ढूंढते हैं। हमने उस दिन बाद ऐसी हृदय को चोट लगी, हमने पत्रकार सम्मेलन ही करना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, हम ऐसे जी लेंगे, हम ऐसे लड़ाई लड़ लेंगे, पर हमने कभी पंजाब को आग नहीं लगाई। अगर लगाई है तो आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये हमने पटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो गुरु नानक देव जी महाराज के ऊपर आतंकवादियों को छोड़ा गया था, उससे पहले मैंने कोर्ट में केस डाला था। वो आतंकवादी को, बुल्लर का इसमें नाम था, पर मेरा सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। मैंने गुरु नानक देव जी महाराज के शुभ दिहाड़े के ऊपर पहले से पटीशन डाली थी, जब पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था देवेंद्र पाल बुल्लर को परमानेंट छोड़ दो, तो मुझे स्टे मिल गया उसमें। अब ये रोज आपके मीडिया में आता है कि बिट्टा की पटीशन खारिज हो गई, मेरी पटीशन खारिज नहीं हुई। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर अभी तो छोड़ा ही नहीं जा रहा तो अपना केस वापस ले लो, पर अगर केस मेरा उनको छोड़ा जाता है देवेंद्र पाल बुल्लर को, आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये मेरी सामने पटीशन, जो रोज इलेक्शन से लेके आज तक कंफ्यूजन हो रही है, और कह रहे कि दिल्ली सरकार छोड़े, दिल्ली सरकार अकेला कैसे छोड़ सकती है उसको? अभी कमेटी की मीटिंग बैठी, दिल्ली का होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, 2 सेशन जज, 1 अटॉर्नी जनरल, 1 होम सेक्रेटरी, 1 दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ऑफिसर आए, उन्होंने कह दिया इस आतंकवादी को नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली सरकार कैसे छोड़ देगी? उसकी कमेटी है, दिल्ली पुलिस है, सेशन कोर्ट है, सेशन जज है, होम सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा नहीं छोड़ा जा सकता, तो कैसे छोड़ देंगे? अगर कोई छोड़ता है मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। यह कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार उसको छोड़े। सेशन कोर्ट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, ना स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, गलत और ठीक को इंसाफ देने की आम आदमी को कोशिश करती है। ये पेपर है आपके सामने।
अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ जी। मीडिया की आपने बात की है, कई मीडिया जो यूके से चलता है स्पेशली, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको क्यों नहीं रोका जाता? वो लगातार खालिस्तान की बात कर रहा है, लगातार यहाँ पे अपना पैर दिखा रहा है। कौन मैंने अखबारों में पीछे सुना, न्यूज में सुना कि काफी इसके ऊपर बैन लगाया गया, पर मैं एक चीज का सवाल का जवाब आपको देता हूँ। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या है, मेरा आपसे सवाल है। हमारा यही रोल है कि हम चुनाव लड़े, हम मंत्री बने, हम जीते और अपने अपने एरिया में अगले वोट लेने के लिए हम अपना वोट बैंक पक्का करें। मैं भी तो एक राजनीति से आया, राजनीति नहीं राजनीति से आया, मैंने भी तो चुनाव लड़ा। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पर जब आतंकवादियों ने कहा मेरा एरिया हरमंदर साहब के आसपास का है, उस वक्त चारों तरफ आतंकवाद था, पवित्र धरती को बदनाम किया, तो मुझे जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ कटेंगे, मैंने मौत का कफन बांधा। मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर 3 ब्लास्ट हुए, मैंने लड़ाई लड़ी, अमन शांति हमने किया, हमने छोड़ दिया। मैं भी तो आपके सामने हूं, आप मुझे एक चीज बता दें कि कभी मेरा गलत बयान पंजाब में सुना? कोई बता दे, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया? ये देवेंद्र पाल भुल्लर का कब से केस चल रहा है, 10 साल 15 साल मैं कभी बोला नहीं? क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट है, जब पुलिस काम कर रही है, प्रशासन, हम अपन क्यों करें? आज मजबूरी में आपके पास आए, अगर मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों क्यों नहीं? मैं तो कांग्रेस में था ना, आज भी मैं दूर नहीं हूं। चीफ मिनिस्टर थे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट, उससे पहले हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, बीजेपी भी थी, सीपीएम भी थी, सीपीआई थी, हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, पर मैं अपने असूलों से उतर गया ना। फर्क मेरा यह है कि मैंने मौत से दोस्ती कर ली, इन्होंने कुर्सी सतह से दोस्ती कर ली, मैं नाल खून से कांग्रेस का मेंबर बना, यह नीले रंग की शाही से फर्क कितना है? मैंने अपने असूलों को नहीं छोड़ा और छोड़ूंगा नहीं, और पंजाब में कभी माहौल खराब हम नहीं करेंगे। अगर लगे कि मेरी बात से बेटा जी ये माहौल खराब होता है तो खुल के कह देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, अगर गलत हूं तो आपसे क्षमा मांगूंगा। ठीक है, कोई आप कोई सवाल पूछो। देखो, मैं फिर वही क्लियर करना चाहता हूं, यहां ना तो कोई समझाने वाला है, ना वो हम रिसर्च करने वाले, मीडिया में भी कुछ लोग हैं दिल्ली जाके रिसर्च करें कि फाइल का मतलब क्या है, क्या ये दिल्ली सरकार के अंडर है, क्या सेशन जज के अंडर है, क्या ये कमेटी है, क्या कमेटी सिर्फ दिल्ली सरकार के अंडर आती? नहीं, दिल्ली का होम मिनिस्टर अपना जितेंद्र जैन, हाँ जितेंद्र जैन कानून मंत्री भी है, नहीं, हाँ वो मिनिस्टर जो कमेटी का चेयरमैन है, एक हो गया होम सेक्रेटरी, चलो होम सेक्रेटरी भी हम कह सकते हैं भी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, एक हो गया अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अच्छा, अब आगे 2 सेशन जज, वो तो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। फिर आगे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से 2 अधिकारी जाते हैं, बताओ फैसला कौन करेगा? मेरा आपसे सवाल है, क्या क्या केजरीवाल जी फैसला कर सकते हैं अकेले? मेरा सवाल, सेशन कोर्ट जज ये कह रहा है, दिल्ली की पुलिस ये कह रही है, दिल्ली का होम सेक्रेटरी ये कह रहा है, किस आतंकवादी को बाहर लाने से माहौल खराब होता है, तो एक सरकार कैसे छोड़ सकती, बताइए? समझ आया? ये अभी कमेटी में फैसला हुआ है कि ये आतंकवादी को छोड़ना खतरनाक है। अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार कैसे छोड़ देगी, जितनी देर तक सबकी सहमति नहीं बनेगी? देखो मेरी बात सुनो जी, देखो मेरी बात सुनो, हमें चंडीगढ़ के मीडिया को जाइए, दिल्ली जाएं, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, मेरी जो मदद है मेरी मदद ले लें, मैं जो वहाँ प्रेस के लोग दिल्ली को देख रहे हैं मैं उनके मीटिंग करवा सकता हूँ, वे हुआ क्या, मुद्दा क्या है। अब देखो ना, कोई कुछ भी बोलता रहे, हम उसकी खबर छाप दें, हम निचोड़ तक जाएं। अगर आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं ऐसे तो नहीं, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, मैं ऐसे तो नहीं आया आपके पास। हमारा काम बनता है, जहाँ हमारा दिल्ली में को ब्रांच है, जागरण है, पंजाब केसरी है, ट्रिब्यून है, उनको रिसर्च करें, वहाँ मेरी मुझे फ़ोन करें, मैं हाजिर हो जाता हूँ, मैं उनको निचोड़ निकाल देता हूँ।
आज कोई, आज मैंने बयान दिया, कल को कोई दे देगा। वो बयान छापने से पहले इतना बड़ा पेपर, करोड़ों की एड चलती वहां पे, लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पेपर को हम दो मिनट में किसी की खबर देकर लगा दें? मैं प्रेस को चैलेंज नहीं कर रहा, पहले भी तो प्रेस थी, स्कैंडल निकलते थे, लोगों का पता चलता था, बीच में निकालते थे, खचेड़ खेड़ करके निकालते थे, वो नहीं होना चाहिए। मैं हाजिर हूं, मैं बताता हूं अपनी जिंदगी की कहानी, सच्चाई क्या है। कल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रेयर कर दी बंदी सिखों को छोड़, अरे बंदी सिख क्या हुए, बेगुनाह होकर कतलेआम हो कर दिए, वो बंदी सिख हो गए, बहस करे। अमृतसर में हो गई, उनको छोड़ दिया जाए, आतंकवादी बेगुनाहों के कातलों को छोड़ दिया जाए, 36,000 बेगुनाहों का कतलेआम हुआ। फिर कहूं अहमदाबाद के अंदर 3 ब्लास्ट हुए, 38 लोगों को फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुना दी, यहां क्यों नहीं? हम फिर भी नहीं बोले जनाब, छोड़ दिया, निकाल दिया, नई सजा दी, हम तब भी चुप रहे। अब हम कितनी देर तक चुप रहे? हमें जो हमारे साथ शहीद हो गए, पंजाब के लोग शहीद हो गए, उनके परिवार विदेशों से हमें फोन करके तंग करना शुरू कर दिया। अरे रोज उठ के आवाज उठती, आप कहाँ हो, आपकी आवाज कहाँ है? हम मजबूर होके आए, नहीं तो शायद हम ना आते। जी